हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। पिछले दिनों मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई, मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, इवन कोई शॉर्ट भी नहीं डाल पाई। आज अष्टमी है तो सोचा कन्या पूजन से ही शुरुआत की जाए वापस से। यहाँ मैं देसी घी में सूजी भून रहे हूँ और सूजी को डार्क ब्राउन करना है। ये मैं हलवा बनाने जा रही हूँ कन्या पूजन के लिए। एक बड़ा चम्मच देसी घी में मैंने सूजी को अच्छी तरीके से भून लिया है, जब तक ये डार्क ब्राउन नहीं हो जाती। हम इसी कलर का पंजाबी सिंधी हलवा बनाते हैं, डार्क ब्राउन कलर का। अब यहाँ मैंने पानी डाल दिया है, जितनी सूजी है उससे जस्ट डबल पानी डालेंगे हम। थोड़ा सा पानी में उबाल आने के बाद हम इसमें शक्कर डाल देंगे। दूसरी तरफ चने जो मैंने रात को भिगो के रखे थे वो बॉईल करने रख दिए हैं। करीबन 4 सीटी आने तक मैंने चने को उबाल लिया है, क्योंकि चने ना अच्छे से उबले हुए हो तभी इसका टेस्ट आता है। और हाँ, हमारा हलवा ना ड्राई फ्रूट्स के बिना अधूरा है, क्योंकि हलवे की शान ड्राई फ्रूट्स के साथ ही आती है, तो ड्राई फ्रूट्स आप ज़रूर डालें। कन्या पूजन में माँ को काले चने का भोग लगता है। हलवा हमारा बनके तैयार है। अब हम पूड़ी के लिए तेल को गर्म करने रख देंगे। जब तक कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है, हम बात करते हैं YouTube के मोनेटाइजेशन पॉलिसीज की, जो कि 15 अक्टूबर से चेंज होने वाली है। आपको पता है अब 3 मिनट तक की वीडियो भी शॉर्ट्स में ही कहलाएंगे। अरे गॉड, 19-20 का ही तो फर्क है बस। यानी कि आपको रेवेन्यू भी शॉर्ट्स के रेवेन्यू जैसे ही मिलेगा। तो ये ज़रूर जाके आप YouTube पे मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ के बारे में चेक कर लें। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली, उसमें ऑयल डाल के, जीरा डाल के, हल्दी, नमक, मिर्च डाल के, कढ़ाई में उबले हुए चने डाल करके, ऊपर से ताज़े धनिया डाल के उसको हम पका लेंगे। नमक आप स्वाद अनुसार डालिए, क्योंकि चने को उबालते समय भी थोड़ा नमक उसमें डाला जाता है। यहाँ पे पूड़ियों के लिए तेल भी गर्म हो गया है। गरम गरम पूड़ियाँ बेलते बेलते मैं तलती जा रही हूँ, साथ साथ में माँ का प्रसाद हलवा, पूड़ी, चना तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से मेरा हुआ कन्या पूजन पूरा। आपने कन्या पूजन किया कि नहीं ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।